नमस्कार दोस्तों, वेवन विधरियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, हाई कोर्ट एआरओ का जो 24 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ उसके आंसर का पहला पार्ट है, तो चलिए देखते हैं, मिला लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है? इसका सही आंसर होगा ए स्वार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वार्थ। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर होगा कानन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है? कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। इसका आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब है अधजल गगरी छलकत जाए, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए, कौन सा तत्सम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना, वधू, घर, सूत या फिर दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सूत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है उसका सही आंसर है सी वैभवी। नेक्स्ट, इन प्रश्नों में से तद्भव शब्द पहचानिए, कौन सा इसमें तद्भव है? ए ऑप्शन है इसमें उपवास, वधु, शत और अचरज। इसमें से जो तद्भव है वो होगा वधु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेद, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था, वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है? पहला है, मन मन भाए मुंडी हिलाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना उल्लू सीधा करना, और डी ऑप्शन है, ना नवमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, सी विकल्प इसका सही होगा, जो है अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट, इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए, कौन सा तद्भव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञानी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। नेक्स्ट है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द पहचानिए। पहला सेंटेंस क्या है, देखिए, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, ठीक है, तो 25 वर्ष पूरा करने के संबंध में होने वाला उत्सव, डी विकल्प इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया, अपने चारों भागों को चुनकर सही क्रम में लगाइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 2, 4, 3, फिर लास्ट में होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित कौन सा क्या मतलब संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका बी, जलवायु परिवर्तन। स्पाइडर मैन हल्क आज जैसे प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में निधन हो गया 95 वर्ष की आयु में? तो उनका नाम है, डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टैनली। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से तुर्की के किस शहर में 2018 हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। नेक्स्ट, अक्टूबर 2018 में आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, ये अभी प्रतीक्षा में है, ठीक है ना। दिसंबर 2018 में किस देश ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी? इसका सही आंसर होगा नेपाल, नेपाल इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, बाकी प्रश्नों के साथ बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, तो बस कुछ ही मिनट में। थैंक यू फ्रेंड्स।